सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा प्रदेश के हर एक जिले में किसान यात्रा निकाले जाने की घोषणा के बाद प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है और सपाइयों द्वारा निकाले जा रहे किसान यात्रा को जगह जगह पर रोककर सपाइयों की गिरफ्तारी की जा रही है। इसी तहत आज यूपी के फतेहपुर जिले में किसान यात्रा के लिए जा रहे सपा लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने रोक दिया, जिसके बाद सपाई रोड पर बैठ गए और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस के समझाने के बावजूद भी सपाई अपनी जिद पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस ने सपाइयों को हल्का बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में सपा लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष आजम खान ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश के हर एक जिले में किसान यात्रा निकालने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद आज हम लोग किसान यात्रा निकाल रहे थे तभी हम लोगों को पुलिस ने रोक लिया। इसके साथ ही लखनऊ में कई सपा नेताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। किस बात को लेकर आपको पुलिस ने यहाँ पे रोका है? आज जो है रैली निकलनी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो कहा गया था, आह्वान किया था किसानों के लिए रैली निकालना था, हम लोगों को किसान के मुद्दे पे जो रैली चल रही थी उस पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल जी को रात के 2 बजे जैसे कोई अपराधी हो उनको उठा लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, प्रशासन से, उनको क्यों गिरफ्तार किया भाई? हम लोग एक संवैधानिक ढंग से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, किसानों को लिए बारे में योजनाओं को उनको बताया जा रहा है, जागरूक कर रहे हैं, इसमें गिरफ्तारी वाली कौन सी बात है? कौन से ऐसे उन्होंने अपराध कर लिए जो उनको गिरफ्तार कर लिए? कहाँ जा रहे थे, क्यों रोका आपको? वो घर पे थे अपने। नहीं, आप कहाँ जा रहे थे, आपको यहाँ पे रोका गया है? हमको यहाँ से रोका गया, हम यहाँ उन्हीं के उसमें हैं, हम ज्ञापन लिए हैं, जब तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम उठेंगे। क्या प्रदेश स्तर पर चल रहा है? जी, प्रदेश स्तर पर चलेगा।